समझ है नहीं तो मैं चला जाती। देर से पूरा घर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है खेलने। अरे कहाँ खेलने चली गई, ढूंढ के लाती हूँ मेरी बेटी, पता नहीं किसके साथ में खेल। अनिका बेटा किसके साथ खेल रही हो? मैंने मना किया था लोगों के साथ में खेलने के लिए, क्यों खेलने आई? बोलो क्यों खेलने आई? ये लोग गंदे लोग हैं, ये नीची कास्ट के हैं, तुम क्यों खेलने आई हो? चलो अंदर चलो चलो। अनिका मेरी बेटी को खिचड़ी देने आई है नीची कास्ट की। इस तरह के फ्रेंड मत बनाया करो बेटे, ये लोग फ्रेंड गंदे होते हैं, नीची कास्ट के, ठीक है? चलो अपने रूम में चलो बैठो चल के। बाय। आई नहीं रही थी तुम? तबीयत खराब थी मेरी, बुखार था मेरे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो दवाई ले आती जाके? एक पैसा नहीं था, कैसे ले आती? क्यों देते नहीं है क्या? नहीं देते हैं। क्या बताएं, कल से दीदी बहुत शराब पीते, मुझे बहुत मारते हैं, एक पैसे नहीं देते, क्या करें? क्या बताएं, कल से तो हमने भी चूल्हा नहीं जलाया है, हमारा भी बच्चा बहुत भूखा है, कल से चूल्हा मेरे घर का नहीं जला है, हम लोग भूखे हैं और चूल्हा जलाने के एक रुपया नहीं कि राशन लिया है तो चूल्हा जलाएं। बच्चे हमारे घूम रहे हैं भूखे प्यासे, पता नहीं कहाँ हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि राशन लाना है लकड़ी लाना है। इतने गरीब भगवान ने पता नहीं क्यों हम लोगों को बनाया है। क्या करें दीदी, बहुत किस्मत ही खराब थी हम दोनों की, बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोग गरीब हैं, लेकिन जब आदमी भी नहीं समझते हैं कुछ भी नहीं समझते हैं ना, तो थोड़ा तकलीफ होती है। बच्चे भी जितने की फी डालते उतना करता है, राशन ले आए तो हम लोग खाए, बच्चे भी खाए, यही तो चीज है। बस औरतों पे अत्याचार करते हैं बस, और कोई बात नहीं। एक जगह हम काम करने भी जाते थे, वहाँ वहाँ बेटा खाना बन गया है। खाना बेटा नहीं बना है, पर मत परेशान हो बेटा, बैठो। कुछ नहीं बना बेटा, कुछ भी नहीं, भूख लगी है अभी, हम क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं बेटा, हम भी नहीं कुछ खाए। परेशान ना हो, अभी बना देंगे। अभी नहीं आए, रो मत बेटा, रो ना, अभी बन जाएगा खाना, खा लेना सभी लोग। मम्मा एक बात बताओ, ये जात पात क्या होती है? जात पात बेटा कुछ नहीं होती है। मम्मा ये उस कॉलोनी में जो रहती हैं वो उनकी लड़की संग खेलते हैं, वो मना कर देती, धक्का मार के निकाल देती, कहती तुम लोग नीच जात के हो। कुछ नहीं बेटा, ये नीच जात कुछ नहीं होता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, नीच जात कुछ नहीं होती, सभी जाते ही बराबर होती है बेटा, मत रो। यही चीजें हैं, बच्चों पे इतना गलत असर पड़ रहा है कि कुछ कहने को नहीं। मैं एक जगह काम करने जाती थी, वहाँ वो एक दीदी थी, मैंने जब उनको अपनी जात बताई, उन्होंने मुझसे काम ही करवाना बंद कर दिया। मैं उनके घर पे उन बच्चों का पेट पल जाता था, इसीलिए मैं जाती थी, लेकिन उन्होंने मेरी जात की वजह से मुझे घर से निकाल दिया कि तुम मेरे घर का खाना नहीं बना सकती हो। तो आज मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके बच्चे ऐसे आराम कर रहे हैं। मम्मा मत रो। मैं नहीं रो रही हूँ बेटा, नहीं रो रही। रीना सालू में आ गई। अरे बेटा आप कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ। अच्छा, कितना प्यारा बच्चा है, आपकी फ्रेंड है रीना और ये? अच्छा, तो खेलने आए हो? मम्मा तुम्हारी तो नहीं मना किया था मेरे संग खेलने को। मम्मा मैं छुप के आई थी। क्यों बेटा, चली जाओ, तुम्हारी मम्मा बहुत मारेंगी। चुप, बहुत पिटाई करेंगी, गरीब के साथ मत खेला करो, मम्मा तुम्हारी डांटती है ना। कुछ नहीं होता है गरीब, जाओ खेलो, सभी लोग खेलो खेलो। हाँ बिनकी, बेटा तुम फिर खेलने आ गई, हमने आपको मना किया था, ये लोग छोटे लोग, इन लोगों के साथ में नहीं खेला जाता है, समझी? छोड़ो मेरी बेटी को, नीची कास्ट के हो तुम लोग, अपना घर देखा है, कैसा घर है आपका,
झोपड़ी टाइप का घर, मेरी बेटी को छोड़ो ठीक है। अरे सुनिए, हम लोग नीची जात के हैं तो इसका मतलब क्या आपकी बच्ची मेरे साथ नहीं खेल सकती? नहीं खेल सकती है, मेरी बेटी नहीं खेल सकती है। तुम लोग नीची कास्ट के अपना घर देखा है? घर मेरा जैसा है वैसा मेरे लिए बहुत ठीक है। चल करते हैं। जो समझते गरीब लोग के बच्चों के साथ में नहीं खेलने देते, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं तो उनके साथ में बच्चे को नहीं खेलने देते हैं अपने बच्चों के साथ में, तो ऐसा ना करें। बच्चे बराबर होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बस मैंने वही इस वीडियो के माध्यम में से आप लोगों को बताया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और छोटा बड़ा या जात पात का भेद नहीं करना चाहिए। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना। और बच्चे और सभी लोग आपसे कुछ हाय करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।